खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी वाक्पटुता के लिए जाना जाता है। ये शब्दों ही शब्दों में निशाना भी साध लेते हैं और सीख भी दे जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर नजर आया जब बीजेपी पर बरसते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान से 25 के 25 सांसद जीतने के बावजूद जनता को कुछ नहीं मिला। गहलोत ने 4 राज्यों की जीत पर गलत फहमी न पालने की नसीहत भी दी और कहा कि जब इंदिरा गांधी जैसी महिला चुनाव हार सकती हैं तो बीजेपी क्यों नहीं। इसके अलावा खास बात यह रही कि गहलोत ने बीजेपी के नेताओं के आरोपों पर पलटवार भी किया। गहलोत ने प्रियंका गांधी को ट्रेन की टिकट ट्वीट करने के मामले में ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा नेता राजस्थान में अपराधों को लेकर बार बार प्रियंका गांधी को आमंत्रित करते हैं, जबकि प्रियंका गांधी किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं है। ऐसे में हम गृह मंत्री अमित शाह के लिए चार्टर प्लेन भेजकर निवेदन करना चाहेंगे कि वो राजस्थान आए और यहाँ आकर प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में किए गए नवाचारों और अपराध के खिलाफ की गई कठोर कार्रवाई की जानकारी लें। आज बात गहलोत के इशारों में समझाने वाले अंदाज की ही करें। राजस्थान के 25 सांसद को जिता के जनता पश्चाताप कर रही है। इनको सबक सिखाएगी अगले चुनाव के अंदर। इनको भ्रम नहीं होना चाहिए, 5 राज्यों में 4 चुनाव जीत गए। अगर इंदिरा गांधी जी जब जिसने परमाणु विस्फोट किया था देश के अंदर 74 के अंदर, 71 में बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो चुनाव हार सकते थे, चीज ही क्या है। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी साथ जुड़े हैं चर्चा में, मनीष पारिक जी हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता है, और साथ ही आप नेता देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ शामिल हुए चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मनीष पारिक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, इशारों को अगर समझो जो टाइटल है, क्योंकि आज जो सीएम ने कहा इशारों में बहुत सारी बातें कही। अब ट्रेन टिकट वर्सेज चार्टर प्लेन हो, ये तो बयान और ट्वीट का तो हमने नजर आया, लेकिन इसके अलावा बयानों में जो उन्होंने कहा इशारा किस तरफ है आप कुछ समझेंगे? सफाई देनी पड़ रही है मुख्यमंत्री जी को, इससे ही जाहिर है श्वेता। पहली बात तो जब ये मूक बधिर बच्ची के साथ प्रकरण हुआ था उस समय प्रियंका गांधी जी शेर देखने आई थी, और तो लड़की को शेर बनाने की बात यूपी में करती है, यहाँ पे शेर देख के चली जाती है, आती नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर एक एक आदमी के मन का सवाल जितेंद्र गोठवाल जी ने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये विषय जनता की आवाज थी कि ये प्रियंका गांधी जी वहां डिमांड करती है यहाँ नहीं करती। बेरोजगार खुद लखनऊ गए थे, तब हमने थोड़ी कहा था उनको कि आप लखनऊ जाओ, तो वो प्रियंका गांधी जी के पास जाते हैं। अब ये प्रियंका गांधी जी को सेफ साइड रखना चाहते हैं, सीट जीतते नहीं यूपी में, ये वहां पर गंगा नहा लिए। वो तो कह रहे कि संवैधानिक पद में है नहीं, फिर क्यों बार बार बीजेपी से डिमांड करती है प्रियंका गांधी की। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, महासचिव हैं वो और कांग्रेस पार्टी की महासचिव है, नारा दिया था उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नारेबाजी कर रहे हैं और काम कुछ करते नहीं। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि उसके बावजूद यहाँ पर अपराधों में कोई कमी नहीं आई, वुमेन एट्रोसिटीज के केसेस बढ़ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात हो चाहे खुद सरकार के आंकड़े हो, उसमें हम 15% ज्यादा अपराधों के शिकार हैं। लेकिन वो रीजन तो कुछ और बता रहे हैं, जब मामले दर्ज हो रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, उनका तो कहना ये है, और आप लोग इस चीज को लेकर कर रहे हैं कि नहीं मामले बढ़ नहीं रहे, इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं। उन्होंने सफाई दी कि हम नवाचार कर रहे हैं, इन्होंने जो मंथली समीक्षा बैठक थी एसपी और कलेक्टर्स की वही बंद कर दी, और अभी अभी बात कर रहे हैं नवाचार कर रहे हैं। इन्होंने कहा एफआईआर है, ज्यादा रिपोर्ट दर्ज हो रही, तो पहले बात कर लीजिए कि रोक के रखा था, तब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तो कहती 3 पैसे प्रकरण बता दे जिनको एफआईआर दर्ज नहीं करने दिया। और हम बताते हैं जब इनका वहां पर थाना गाजी का प्रकरण हुआ तो दर्ज नहीं करने दी रिपोर्ट, 4 दिन तक उनको देखते रहे। इसी के बाद ये कंपलसरी हुआ, इसी के बाद तो ये थानों को कहा गया कि मामला दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगी उसी थाना गाजी के मामले के बाद ही। जी मैंने आपको कहा दर्ज नहीं हुआ, 4 दिन तक नहीं हुआ, तो हमने प्रकरण बताया ना आपको, हमने बताया प्रकरण की जब बहरोड में किसी गर्भवती स्त्री के साथ बलात्कार हुआ उस समय प्रकरण दर्ज नहीं किया उन्होंने, हमने बताया पपले गुजर वहां और अगर सीएम ने आज इतनी बातें कही, सीएम ने आज इतनी बातें कही तो उससे आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या, आप कह रहे हैं कि सफाई दे रहे हैं? बिल्कुल, और उनको सफाई देनी पड़ेगी, है वो कह रहे हैं कि हम अमित शाह जी को भेज देंगे। और उनको आरसी चौधरी जी, जितनी बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही, जो ट्वीट किया, सवाल भी उठाए, गृह मंत्री को भी आमंत्रित किया, इन सब बातों को लेकर बीजेपी इसे ऐसे देखती कि ये सिर्फ सफाई दे रहे हैं सीएम?
श्वेता जी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दे के चुना और उस विधायक दल ने माननीय मुख्यमंत्री को प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का दल है और विपक्ष के प्रत्येक विधायक की वो जो बात होती है गंभीरता से लेते हैं और उनके साथ में संवाद करते हैं और उस बात का जवाब दिया। यही लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही होती है, क्योंकि वो जवाबदेही से भागते नहीं है, जवाबदेही पे जवाब देते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र देखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस बात का जिक्र किया, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने किस प्रकार से जो फैसला लिया, यहां से 25 सांसद गए थे, यहां पे कांग्रेस की सरकार बनाई, ये चाहते थे कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 25 सांसद आज प्रधानमंत्री जी को ये याद नहीं दिलाते। 7 जुलाई 2018 को जयपुर के अंदर और उन्होंने 8 अक्टूबर 2018 को अजमेर के अंदर उन्होंने कहा था कि ERCP को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे और इसके द्वारा 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होगी। 13 जिलों का जिक्र किया था, आपको याद होगा, यही अमरूदों के बाग से और इसी चैनल पे हम बैठे थे और उन्होंने उन जिलों का नाम लेके जिक्र किया था। आज ये 25 लोग राजस्थान की जनता की आवाज को मुखर करने के लिए प्रधानमंत्री के सामने मौन क्यों हो जाते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं व्यक्ति की चर्चा मत कीजिए, सांसद है वो, आप उसकी हैसियत नहीं, क्योंकि वहां से पार्टी जीत के आता है, मोदी जीत के आता है, इसलिए वो सांसद जानते हैं कि कल को मेरी टिकट कट जाएगी, मौन रहते हैं, राजस्थान के हितों पे गौण रहते हैं। चाहे यहाँ पे मेमोकॉज फैक्ट्री हो, चाहे रेलवे की लाइन हो, तमाम जो सब चीजें हैं, और किस प्रकार से लंबे समय से रिफाइनरी के मामले को लटकाए रखा, इसलिए राजस्थान की जनता की सूद भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जो पूर्व विधायक है, वर्तमान में विधायक भी नहीं है, उन्होंने लेटर लिखा कि प्रियंका गांधी जी आइए। कल अंजलि तेंदुलकर भी आई थी राजस्थान के अंदर, ये पधारो, हमारा देश सेंस करती है, राजस्थान टूरिस्ट का हब है, यहाँ पे एडवेंचर है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, सब चीजों को देखने आते हैं। तो क्या ये किस हैसियत से प्रियंका गांधी को ये कह रहे हैं राजस्थान के? अगर ये कह रहे हैं कि महासचिव को कहना चाहिए, महासचिव आते राजस्थान के, यहाँ पे जो महासचिव आते अजय माकनजी के सामने प्रदर्शन करना चाहिए अगर कोई बात हो तो, लेकिन इन्हें मुद्दों से इतर और ध्यान भटकाना है। मैं कहना चाहूंगा जो उन्होंने जिक्र किया रेप के दुष्कर्म को लेकर, जो जिक्र किया पूरे देश ने देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी दलों के लोग भी गए, आम आदमी पार्टी के लोग गए, TMC के गए, कांग्रेस के गए, मीडिया के गए, आपने देखा हाथरस की दुर्घटना में आधी रात को पीड़िता को जला दिया जाता है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, सबने देखा, सबने देखा, सबने देखा। लेकिन लेकिन आरसी चौधरी जी, ये सवाल इसलिए भी बीजेपी बार बार उठा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, लीड उसे प्रियंका गांधी कर रही थी, एक नया नारा, एक मजबूत नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और जब बेटियों के साथ यहां पर अत्याचार होता है तो ये बार बार सवाल उठाई गई विपक्ष की, एक बार प्रियंका गांधी को आना चाहिए था, श्वेता इसलिए ये मुद्दा बना रहे हैं। श्वेता, निश्चित रूप से आप भी एक बेटी हो और आपको इस मुद्दे पे निश्चित रूप से जोर देना चाहिए और पूछना चाहिए, क्योंकि मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं और आपको तल्ख तरीके से पूछना चाहिए। 14 नवंबर 2012 को यूपीए की सरकार थी, पोक्सो एक्ट बना, पोक्सो एक्ट बनने के बाद में पोक्सो कोर्ट की स्थापना करनी थी। 2013 के अंदर यहां पे हमारी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बिल पारित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में सरकार आ गई। 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इन्होंने पॉक्सो कोर्ट की घोषणा नहीं की, पॉक्सो कोर्ट का गठन नहीं किया। अंतिम बजट में इन्होंने घोषणा की, हमारी जब सरकार बनी हमने 57 पॉक्सो कोर्ट बनाए, 7 लोगों को फांसी की सजा दी, कई लोगों को उम्र कैद बनाए। ये गरीबों के साथ में खड़े होने वाले लोग हैं, इन्हें पीड़िताओं से बालिकाओं से कोई चिंता नहीं है, ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। राजस्थान के सांसदों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मनीष जी, 25 सांसदों से उम्मीद क्यों ना करे जनता, पूरी 25 के 25 जीत, अगर जीत जो जिम्मेदारी है, देखिए अब आप इसमें आप गिना लीजिए, 4 चीजें आपने जो की गिना लेंगे, लेकिन जो जरूरत है अगर वो नहीं बोलेंगे तो उसकी डिमांड कोई नहीं करेगा क्या? नहीं मनीष जी, 1 मिनट, मैं निवेदन कर रहा हूं, ठीक है? नहीं मनीष, देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि सांसद से उम्मीद क्यों करे, क्यों ना करेगी जनता, 25 सांसद, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, समझना होगा। मुख्यमंत्री जी अपना दायित्व, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ है, उनका रुख कर दीजिए। मनीष जी वक्त जा रहा है, मनीष जी 1 मिनट, मनीष जी ठीक है, वापस लौटेंगे सर आपके पास। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया इसलिए आगे पैसे नहीं मिले, बस हो गया। मनीष जी हो गया, आपका निवेदन भी सुन लिया, आपने क्या कहा, आपने अपनी बात रख दी है। लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी भी, देवेंद्र जी एक चीज जो नजर आती है,
प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में जीत गई कांग्रेस, विपक्ष में बीजेपी है, लगातार मुद्दे उठा रही है, जो भी चीजें उनको नजर आती है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। केंद्र में यहाँ पर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, 25 सांसद यहाँ से जीत कर गए, वो काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उन मुद्दे को उठाया जा रहा है। सवाल तो ये उठता है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दोनों एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या वाकई में जनता के सुध कोई ले रहा है? क्या वाकई में जो बड़े मुद्दे हैं, जो जिनके हाथ में है, वो उसे करने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे राज्य हो चाहे 25 सांसदों की बात करें हम? देखिए श्वेता जी, ये टीवी डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता आते हैं, टाइम बर्बाद करने का ट्रेनिंग होती है इनके पास बकायदा। आप सुने न सुने ये बोलते रहेंगे, मुद्दों पे कोई बात नहीं होती है। मुझे बोलने दीजिए, बहुत तगड़ी आवाज है तो बोलिए, दूसरे को सुनने मत दो। मैं ये कह रहा हूँ, और क्या आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बारी है तो आप बोलने नहीं दे रहे हो। आप लोग टाइम बर्बाद करते हो, टाइम यू आर वेस्टिंग टाइम, पब्लिक डिबेट में टाइम वेस्ट करने का ट्रेनिंग होती है आप लोगों को। आप लोग ठीक से बात नहीं करने दे रहे, आप अच्छी तरह बात नहीं करने दे रहे लोगों को, न सुनते हो न सुनने देते हो, गलत है आपका। पब्लिक आपको डंडे मार रही है, भगा रही है, ये बकवास चलने वाली नहीं है, ये बकवास चलने वाली नहीं है। टीवी के ऊपर बोलने नहीं दे रहे, हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी देखा है, बहुत तगड़ी डेमोक्रेसी जेल में पहुंचाओगे? काहे की ट्रेनिंग है तुम्हारे पास? तुम लोग हल्ला मचाने, शोरगुल मचाने और दंगा कराने के अलावा कोई ट्रेनिंग नहीं है तुम्हारे पास। कांग्रेस का दंगा पार्टी, झगड़ा पार्टी, केवल बस यही सीखा है, यही ट्रेनिंग है इनकी, यही ट्रेनिंग है इनकी, यही ट्रेनिंग है। देखिए इस डिबेट को बर्बाद करने की ट्रेनिंग है इनको, डिबेट को बर्बाद करने की ट्रेनिंग है इनको, और कुछ नहीं है। मुद्दे से इनको कोई लेना देना नहीं है, मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है इनको। आप क्या बोल रहे हैं और कितनी देर से बोले जा रहे हैं? मुद्दा है कुछ और बोल रहे हो कुछ और। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी देखी हुई है, क्या है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी? बिल्कुल ठीक है ना, आप सुनिए, आपने अपनी बात रखी ना सर, वो कह रहे हैं कि आपने अपनी बात रखी, एक बार उनको सुन लीजिए। मैं सही बोल रहा हूँ, यू आर वेस्टिंग टाइम, एक मिनट, टाइम बर्बाद करते हो आप लोग, एक मिनट सुनिए सर, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे? जब मुझे पूछा गया तो आप क्या बोल रहे हैं? सीएम से पूछो, जब मुझे पूछा गया तो आप क्या बोल रहे हैं? आपको क्या अधिकार है बोलने का? जब मुझसे पूछा गया हु आर यू, व्हाट यू आर सेइंग, मनीष जी हु आर यू टू स्पीक, नहीं आप सुनिए ना सर, ये बर्बाद करने की ट्रेनिंग है इन लोगों को, कुछ नहीं है, गलत बोले, ठीक है, ये लोग आज आप शांत रहिए, उन्होंने ये बोला टाइम वेस्ट करना है, ठीक है, लेकिन ये अभी भी टाइम है, ये लॉयर बता रहे हैं हमको, हम क्या करें लॉयर है तो आप, और कह रहे हैं लॉयर है तो क्या करें भाई? मनीष आप सुनिए तो सर, आप सुनिए, उन्होंने ये कहा टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो गलत था, बिल्कुल ठीक है, आप थोड़े शांत होइए, आप शांत होइए, लेकिन हम ये चर्चा कर रहे हैं ना सर, मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, वक्त ऐसे जाया होता है। देखिए आपने बात रखी, उन्हें भी बात रखने दीजिए ना, वो भी डिबेट में चर्चा में शामिल होने आए, उन्हें भी बात रखने दीजिए, वो भी नाराजगी इस बात की कि आप उनके वक्त में भी आप बोल रहे हैं, सुन लेते हैं, सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल हम बात उसी पे कर रहे हैं, बेटियों के ऊपर बात हो रही है और ये टूरिज्म की बात करते हैं, हम कर रहे हैं टूरिज्म, हां और किसी की, इन्होंने कहा ठीक है ना, इन्होंने कहा ठीक है, हां तो मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, मैंने उनके लिए भी बोला, आपके लिए भी बोला, उनके लिए भी बोला, ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। देवेन शास्त्री जी मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूं। आप लोग मुद्दों से भटके हुए हो और देश को भी भटकाते हो। हम भटके हुए बिल्कुल, एक मिनट देवेन शास्त्री, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले लंबे बोलने दीजिए मुझे, कांग्रेस आप नहीं बताएंगे मुझे क्या बोलना है, आप नहीं बताएंगे मुझे क्या बोलना है, जमाने भर ने क्या बोला आपने, और आगे भी दिखाएंगे हम आपको, चिंता मत करो, आगे भी दिखाएंगे। देवेन शास्त्री जी आप अपनी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले दो सत्र से देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी के वक्त से और कांग्रेस के वक्त में, दोनों वक्त में महिलाओं के खिलाफ एट्रोसिटीज के मामले में राजस्थान सबसे ऊपर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मौके पे भी यही हाल था, और आज भी 13% कम हो गया था महिलाओं के प्रति अपराध। आप गलत आंकड़े मत दीजिए, अरे सर मैं गलत, आप गलत आंकड़े मत दीजिए, ये यहाँ कोर्ट नहीं है, कुछ भी आंकड़े फेंक दो,
मैं निवेदन कर रहा हूँ, गुलाब चंद जी ने खुद ने बयान दिया कि 9% टोटल अपराध कम हुए हैं और 13% बारी आए तब बोल लेना आप बारी आए तब बोल देना आप बारी आए तब बोल ठीक है। ये दोनों नूरा कुश्ती है इन लोगों की, ये दोनों इस प्रदेश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इनके पास न पॉलिसी है, न एडमिनिस्ट्रेशन है, न ही इनके पास समझ है, पूरे प्रदेश को बर्बाद करके बैठे हुए कांग्रेस है, अशोक गहलोत जी हैं, मैं मारवाड़ के गांधी, किस बात के गांधी भाई, अलवर में रेप हो गया, मामला दर्ज नहीं होता है, अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, कोई 50 केस हो गए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर महिलाओं को लेकर के, लेकिन कोई पुलिस के ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। आम आदमी पार्टी आई है, हम बताएंगे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है और कैसे सरकार को दोनों ही पार्टियों की सरकार एक सा काम करती है, आपको लगता है एक है? दोनों, मैं वही कह रहा हूँ, दोनों की नूरा कुश्ती है, दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे को बचाते भी रहते हैं। पिछली सरकार जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत का क्राइसिस हुआ तो क्या मुद्दा बना? मुद्दा ये बना कि बीजेपी का ही एक धड़ा जो है वो उसमें लगा हुआ गिराने में और एक धड़ा लगा हुआ बचाने में। तो ये तो मिलीजुली कुश्ती चल रही है इन लोगों की। इनको प्रदेश से क्या मतलब है? प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, केवल यह है कि एक बार आप लूटो एक बार हम लूटेंगे, ये कहानी चल रही है। इसमें कानून व्यवस्था बर्बाद है तो बर्बाद रहने दो, लोग माइनिंग के सेक्टर में लूट रहे हैं प्रदेश को तो लूटने दो, यानी इंडस्ट्री का कोई देखने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी बिजली सब की कुछ। बिजली पानी की जो दुर्गति है, बिजली में जितनी महंगाई है और पानी लोगों को मुहैया नहीं है, कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। इस बात पर एक रिएक्शन। हाँ श्वेता, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के नेता का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, सभी दलों के नेताओं का हम सम्मान करते हैं। जब मेरा टर्न था तब मैं बोल रहा था और बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला और आम आदमी के पार्टी के नेता अगर कोई प्रश्न उठाते तो मैं जवाब देता, लेकिन ये नूरा कुश्ती क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दो दल दूसरे लड़ेंगे इसके बीच में हम आ जाएंगे। आप जनता की आवाज को मुखर करेंगे तब जनता के बीच में आ पाएंगे, वरना कोई पे भी स्थान नहीं बना पाएंगे। दिल्ली के अंदर भी शमशान घाट के अंदर आधी रात को बेटी को जलाया था, कहां थी आम आदमी पार्टी, कहां थे तुम लोग, वहां पे बोल नहीं पाए। किसान बिल लेके आए, आपने विधानसभा के अंदर सबसे पहले उसके समर्थन में पारित करने की बात की और फिर उसके विरोध में आके पंजाब में बता दिया। सुन लीजिए और कोई मिलने का साथ रखिए, किसानों ने परिणाम दे दिया, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, किसानों ने बता दिया वहां पर क्या होगा। साथ रखिए, मैं तो सोच रहा था कि आप वकील हो सच में, सुनने का साथ रखिए, वकालत की तो कुछ भी नहीं है, सुनने का साथ रखिए, आप कहने के अलावा कुछ नहीं है। सुनिए सर, देखिए श्वेता जी, मैं किसी के बीच में योगदान नहीं डाला, अगर इनमें सुनने का साथ नहीं तो ये जनता की आवाज को कैसे सुन पाएंगे। यहाँ पे टाइम फिक्स है, 25 मिनट डिबेट होनी है, आरोप लगाते निश्चित रूप से मैं जवाब देता। राजस्थान पुलिस ऐसी पहली पुलिस है जहां पे राज्य के अंदर कंपेन चलाया गया, किसी भी बालिका के साथ में अगर कोई घटना हुई है तो वो आए और अनिवार्य पंजीकृत कराए और FIR दर्ज कराए। हमने यहाँ पे कंपेन आवाज चलाया, मी टू कंपेन चला, आपने देखा केंद्र सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, बहुत सेलिब्रिटीज थी उन्होंने साहस किया और सामने आके और कहा कि हमारे साथ में हमारे वर्क स्थल पे ऐसे हमारे साथ में उत्पीड़न हुआ है, ऐसा काम करने का अगर कोई साहस किया तो राजस्थान की पुलिस ने किया। हम आंकड़ों से नहीं डरते, हम चाहते हैं कि अपराधी नहीं बचना चाहिए, दुष्कर्मियों को दुष्कर्मियों की सजा मिलनी चाहिए और वो काम हमने किया। 7 लोगों को हमने फांसी की सजा दिलाई 3 साल के अंदर, पोक्सो कोर्ट की स्थापना की, सीटा उन पोक्सो कोर्ट बनाए, कोई भी बेटी जब जाएगी तो वहां पे हेल्प डेस्क पे उसकी बात सुनी जाएगी, IDSLSP लेवल का अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन ये तमाम बात जो बार बार ये बोल रहे हैं, क्या किया जाए, उसके मुद्दों को दबा दिया जाए, पूरे देश के अंदर जहाँ पे 28.3% अपराध के आंकड़े बढ़ रहे थे, उस समय राजस्थान में
14.646% की कमी हुई। ये आरसी चौधरी का जवाब नहीं, ये राजस्थान पुलिस का नहीं, ये एनसीआरबी का डाटा है जो पूरे देश के प्रत्यक्ष में कहा है। इसलिए यहाँ पे चाहे डकैती हो चाहे अपहरण हो, तमाम अपराध की घटनाओं पे यहाँ पे लगाम लगी। जहां पे जो होना चाहिए, जिस पब्लिक उसे की जो जिक्र कर रहे हैं, जो भगा उसको राजस्थान पुलिस ने पकड़ के लाए। इसलिए राजस्थान की पुलिस बेबस और लाचार नहीं है, उसके सूर्य के साथ में आपको खड़ा होना चाहिए। आप खड़े होने का साथ दे सकते हैं तो आपको प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं है। आपके मंत्री बोलते हैं कि भाई राजस्थान में तो बलात्कार को जस्टिफाई करते हैं। आपके मंत्री शास्त्री जी ऐसे 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 आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है। आपके मंत्री बलात्कार को जस्टिफाई करते हैं और विधानसभा में करते हैं, सुनने का तो क्या होगा प्रदेश में? सुनने का साथ रखिए। आपने आरोप लगाए ना, आपके आपने जो आरोप लगाए उनका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैं जवाबदेह सरकार का जवाबदेह प्रवक्ता हूं, वक्ता नहीं हूं तुम्हारी तरह, वक्ता नहीं हूं, इधर उधर की बगले नहीं जानता हूं। इसे तमाम आरोप का जवाब देना क्या कर रहे हैं बताइए आप? क्या बीच में क्यों उधर डाले? आप क्या कर रहे हैं? आपके मंत्री आपकी मंत्री ने विधानसभा में श्वेता जी मैंने जो बात कही इन्होंने कहा तो आंकड़े रखे, आपने कहा आंकड़े पूछे तो अगर आंकड़े रखने दीजिए ना मुझे। हमने चिंता मत करो, हमने लागू की। पहले जो अपराध का जो चालान था, मुकदमे का जो चालान था 274 दिन में होता था, 274 हमने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया वहाँ पर। क्या बजाया? दारू के पैसे से आप वो कर रहे हो, उसके पैसे खर्च कर दो। आपने कौन सी कमाई करी? आप लोग तो जेब में रख के चले जाते हो, आप लोग तो जेब में रख के चले जाते हो। हम तो जनता को देते हैं, हम तो जनता को देते हैं, आप तो जेब में रख के चले जाते हो। और मुझे पता ही नहीं था आप पार्टी के हो, मेरे को लगा आप पत्रकार हो, इसलिए आपसे नाराज हो रहा था। मुझे भी पता चला कि आप पार्टी के हैं। आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग टू द आप पार्टी, इट इज योर जॉब, यू डांस, यू कैन डू एनीथिंग सर। आई नेवर मनीष जी लीजिए, ये देखिए ट्रेनिंग देख लीजिए। अब आप ट्रेनिंग देख लीजिए, डांस यू कैन डांस, अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, अभी अभी पंजाबी शुरू कर देंगे। अब ये देख लीजिए, ट्रेनिंग देख लीजिए इनकी, ये इनकी ट्रेनिंग है, ये जस्ट वेस्टिंग टाइम, मनीष पारिक जी ऑन एयर टाइम बर्बादी का ट्रेनिंग है इनको। अगर आप मुद्दे पे बात नहीं करेंगे सर, क्या खालिस्तान में जाना है, दिल्ली जाना है, बात करेंगे, लेकिन जो बात कर रहे हैं सर आप उसमें जवाब नहीं दे रहे। मनीष जी, जो हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम चर्चा इसी पे कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कांग्रेस से सवाल उठाया जा रहा है उसकी बात कर, आप वो पक्ष रखिए। 25 सांसदों को लेकर बार बार सवाल अगर उठाया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, आप उसका जवाब दीजिए। जवाब दिया, ऑक्सीजन के वो किए नहीं, इन्होंने एस्टेब्लिश प्लांट लगाने के लिए पैसे दे दिए थे। अब ये महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो रही है, ये क्या है? को लेकर क्या आईजीएनपी महिलाओं के उत्पीड़न पे बात हो रही है? ये मैं कह रहा हूँ टाइम बर्बादी की ट्रेनिंग है इनको। अरे भैया तो आप ये ऑक्सीजन के प्लांट की चर्चा कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन के प्लांट में चर्चा की है, आप सांसद आपने कर रहे हो तो बता रहा हूँ मैं। इतने पैसे आपको मालूम है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑक्सीजन के प्लांट में बात कर रहे हैं? बात ही नहीं करना चाहते हैं मनीष जी, बात ही नहीं करना चाहते हम उनसे, क्यों पूछे आप बता दीजिए उनसे, मैं क्यों पूछूं? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप जवाब दीजिए। 25 सांसदों को लेकर अगर वो सवाल उठाते, ईस्टर कैनाल को लेकर आवाज बुलंद नहीं कर रहे सांसद, मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं, इसका जवाब क्या? वो इशारा ये कह रहे बार बार कि चुनाव में जनता जवाब दे देगी, जनता आपको सीख दे देगी, यानी क्या है? बिल्कुल इस बारे में मेरा निवेदन है कि भारत जो सांसदों ने अपनी बुकलेट छपाई है, 54 काम करे जयपुर के रामचरण गोहरा जी ने, उस बुकलेट को पढ़िए। केवल यहाँ करने से कुछ होगा नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए कौन काम करे। एक दूसरा, मैं जो ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र में ये बात हुई, केंद्र सरकार ने पैसे दिए, सब सांसदों ने बात उठाई कि ऑक्सीजन प्लांट बनाओ, ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी आपने कहा ना कि बुकलेट छपी, बुकलेट को पढ़ा जाए, यानी अब हर किसी को बुकलेट पढ़ के पता चलेगा कि काम क्या हुआ है। इनको पूछना चाहिए, कांग्रेस उधर है, कांग्रेस वहां है, एक सेकंड बना दो इनको। ठीक है मनीष जी ठीक है। अब क्योंकि आरसी चौधरी जी तो कांग्रेस उधर है, तैयारी करते हैं। आरसी जी बुकलेट पढ़ ली क्या आपने? क्योंकि जो सांसद काम कर रहे हैं वो बुकलेट छपवा के बता रहे हैं, आपने पढ़ी है क्या?
श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस बात का जिक्र करें, ऑक्सीजन प्लांट की जिस बात का जिक्र करें, इन्हें पता होना चाहिए राजस्थान की भिवाड़ी से ऑक्सीजन हमने हरियाणा में भेजी, दिल्ली में भेजी। यहाँ पे जो 128 पूरे देश में ऑक्सीजन के जो बनने थे वहाँ पे कितने बना पाए थे और कौन से? तुमसे सुन लीजिए मनीष जी, हमने सुना, प्लीज बोलने दीजिए मनीष जी। हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, बोलने दीजिए। ऑक्सीजन के प्लांट पे बहस करवा रहे हैं, बिल्कुल सुन रही हूं मैं। तो पहले कह रहा हूँ की इनको टाइम पर बात करने की ट्रेनिंग है। ये मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, मुद्दे को बताते हैं। 7 जुलाई को और अक्टूबर को जयपुर और अजमेर में देश के प्रधानमंत्री ने की थी या नहीं की थी? अगर उन्होंने जिक्र किया तो आज क्या 3 साल बाद ये जनता नहीं पूछेगी? राजस्थान के लोग नहीं पूछे? आपके पास कुछ नहीं है, मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है आपको। 2,80,000 हेक्टेयर की सिंचाई की बात कर रहे थे, 13 जिलों को पेयजल की बात कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, राज्य के 2 जगह से की, जयपुर से की, अजमेर से की। क्या हम 25 सांसदों से हक नहीं रखते कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था जिसे राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे वो ईआरसीपी कहां है? बिल्कुल सवाल पूछना चाहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के अगर सांसद 25 नहीं दे पाते जवाब, अगर वो संसद में नहीं बोल पाते, या फिर जब जो राजस्थान के सांसद प्रधानमंत्री से मिलते हैं और वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तो ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। हम चाहते हैं ईआरसीपी का पानी श्वेता जी। देखिए सच बात यह है कि कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, सरकार दूसरे कामों में व्यस्त है, सरकार खुद को बचाने में लगी हुई है, दिल्ली की राजनीति में फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस तरह का साठ गांठ और जिस तरह की द्वेष है उसमें प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन बर्बाद है। आप आम आदमी पार्टी अब देखिए कि इन मुद्दों के ऊपर बातचीत करेगी, सीधे बातचीत। चलिए वो अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत जल्दी आपको महिलाओं के इश्यूज पर क्या आधार है? इसका आधार क्या है देवेंद्र शास्त्री? ये बात आप बार बार कह रहे कि दोनों के बीच में साठगांठ है। साठगांठ क्यों होगी? सरकार दोनों बनाने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में जब विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो तब? नहीं, साठगांठ का तो पता है ना, ये तो सबके सामने जाहिर है। जब सरकारों के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर टूट फूट होती है तो पता चलता है कि एक कांग्रेस का धड़ा उसको बचा रहा है। जब कांग्रेस में टूट फूट होती है तो पता चलता है बीजेपी का ही धड़ा बचा रहा है। तो ये तो सबके सामने है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों पार्टियां इस प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। वो बात हो नहीं पाई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे आ गए जैसे कि आप सुन रहे हो और अभी भी जारी है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं, किस ओर इशारा था? समझने वाले समझे होंगे, जो नहीं समझ रहा है उसका भी भविष्य में क्या तय करते हैं वो अलग बात है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर आम जनता ने यहां पर जीत कर भेजा है, अगर प्रदेश में सरकार बनाई है, भले ही कांग्रेस के भले ही 25 सांसदों को अगर जिता कर भेजा है, तो वो सिर्फ इसलिए कि प्रदेश किस तरह से विकास करे, कहां कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं और कैसे वो काम हो सकते हैं, किसकी अहम भूमिका है, जिम्मेदारी है, वो उस चीज को समझे तो बहुत हद तक विकास राजस्थान करेगा और जनता खुश भी होगी। लेकिन हर बार अगर इसी तरह से होता रहेगा, मुद्दे कुछ हो, चर्चा किसी और बात पर हो और जवाब कुछ और देते रहेंगे, तो हाल यही रहने वाला है। जनता भी ये सब देख रही है और इसलिए जवाब तो जनता देगी क्योंकि मौका एक ही बार जनता को मिलता है 5 साल में विधानसभा चुनाव में। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।